अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पीएमएस के पेपर होने वाले हैं आज 20 जून है, 3 दिन बाद आपका पेपर है, उसके बाद में ऐसे के बाद कंपोजिशन का पेपर भी है। कंपोजिशन में एक चीज़ आती है, शॉर्ट पैराग्राफ आपने लिखना होता है, 100-200 लफ्ज़ों का वो आपसे मांगते हैं। अब उसके हवाले से बच्चे बड़े कन्फ्यूज रहते हैं कि उस पर हमने क्या करना है, किस तरीके से करना है। मैं एक टॉपिक आपको बता देता हूँ, पिछले साल 2020 में आया हुआ था, जिसके बीच में था कि ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन पाकिस्तान, ये टॉपिक हो तो कैसे इसको पिक करना है। सारे टॉपिक इसी पैटर्न पे पिक होंगे। देखें कहानी क्या है, करना आपने क्या है, आपने सबसे पहले समझना है कि ये जो टॉपिक है ये एक आपके जो बड़े ऐसे का टॉपिक है उसकी मेन आउटलाइन बना लें। अब इसकी मेन आउटलाइन क्या बनेगी, इंट्रोडक्शन आएगा, फिर एंटरप्रेन्योरशिप और उसकी टाइप्स आ जाएंगी, फिर आप बताएंगे कि पाकिस्तान में इसकी सक्सेस एंड ग्रोथ क्या है, चौथे नंबर पे इसको चैलेंजेस क्या दरपेश हैं, पांचवे नंबर पे रिकमेंडेशंस का जिक्र आप करेंगे, छठे पे कंक्लूजन, यही ओवरऑल इसका बनता है ना जो मेन आउटलाइन है। तो जब आपने शॉर्ट ऐसे लिखना है या जब आपने एक पैराग्राफ लिखना है, तब आपने इसके जितने भी पॉइंट्स हैं ना सबके ऊपर थोड़ी थोड़ी बात कर देनी एक एक सेंटेंस में, मसवाए जो बुनियादी वाला पॉइंट है यानी जहाँ पे आपने ग्रोथ एंड सक्सेस बतानी है उस पर 3 या 4 जुमले लिख देने हैं, बाकी सब पे आप एक एक जुमला लिख दें। मसलन इसके अंदर पहला जुमला हम बता देंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या और इसकी टाइप्स क्या हैं, सिर्फ एक जुमला आएगा कि ये बिज़नेस को कहते हैं और ये सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, फर्म भी हो सकती है, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पर कि इसकी सक्सेस एंड ग्रोथ के ऊपर आपने बात करनी कि पाकिस्तान में क्या है, तो आप पहले स्टांस लेंगे कि पाकिस्तान में बड़ी सक्सेस और बड़ी ग्रोथ है, फिर आप उसकी एविडेंस देंगे कि जी ये फूड है, कपड़ा है, मोबाइल फ़ोन है, एक्सेसरीज़ है, मेकअप है, लेडीज़ जूते, कपड़े, सारी चीज़ों का जिक्र करेंगे कि इन्होंने बड़ा जो है बड़ा तेज़ी के साथ ग्रो किया हुआ है। अच्छा, इनकी ग्रोथ के अंदर आप बताएंगे कि जगह जगह तहसीलों में, शहरों में मॉल्स बनने शुरू हो गए हैं, शॉपिंग प्लाजाज बनने शुरू हो गए हैं और ई कॉमर्स जो है उसने भी बड़ा एक अहम रोल प्ले किया है, इसकी वजह से क्या हुआ, जॉब बड़ी क्रिएट हो रही हैं, मेरी ज़िंदगी बुलंद हो गया है, ये 3-4 बातें इनकी सक्सेस और ग्रोथ पर होगी। एक सेंटेंस आ जाएगा इसकी ओवरऑल चैलेंजेस क्या क्या हैं, लोड शेडिंग है, महंगाई है, उसके बाद में गुर्बत है, उसके बाद में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, क्राइम है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं चैलेंजेस, और आखिर में एक सेंटेंस में आप रिकमेंडेशन दे देंगे कि जी हुकूमत को चाहिए कि वो ताजर बरादरी को, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को अपने साथ लेके चले ताकि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये पाकिस्तान में जो है वो फ्लॉरिश हो कर सके और प्रोग्रेस कर सके। सो ये है इसकी ओवरऑल जो है वो कहानी। सारे के सारे जो शॉर्ट एसेज हैं और पैराग्राफ हैं इसी तरीके से लिखे जाते हैं। शॉर्ट एसे अगर होगा तो उसके अंदर पैरे आप ज़्यादा लिख सकते हैं, अगर उन्होंने आपसे पैराग्राफ मांगा है तो वो एक ही पैराग्राफ के अंदर लिखा जाएगा। थैंक यू वेरी मच।